अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में D20 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच का मैं रिव्यू करने लगा हूँ और इसके जो प्राइस है वो सिर्फ $5 है। $5 पाकिस्तानी तकरीबन बनेंगे 1400 या 1500 रुपये। देखते हैं कि इस $5 की स्मार्ट वॉच में हमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं, इसकी क्वालिटी किस तरह की है। वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये इसका बॉक्स है D20 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच का। स्मार्ट ब्रेसलेट लिखा हुआ है ऊपर और बैक साइड पे इसके फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं। कॉलिंग फीचर है इसमें और बाकी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे डिफरेंट एप्लीकेशंस के। बॉक्स को ओपन करते हैं। लें जी, बॉक्स ओपन करते सार हमें स्ट्रैप्स देखने को मिल रहे हैं और साथ ही इसके वॉच है D20 अल्ट्रा। और ये जो इसकी बॉडी है ना, ये समझ लें प्लास्टिक की बॉडी है और ये जो ऊपर बटन है ये फेक बटन है, ये रियल नहीं है। क्योंकि जाहिर बात है इतनी सस्ती स्मार्ट वॉच है तो वो प्लास्टिक बॉडी में ही देंगे, ये मेटल वगैरह नहीं है। और ये साथ स्ट्रैप्स हैं इसके ऑरेंज कलर के। इसके जो स्ट्रैप्स हैं वो दो कलर में आते हैं, एक ऑरेंज और एक ब्लैक, लेकिन ऑरेंज में ये ज़्यादा सूट करते हैं क्योंकि एप्पल की जो ओरिजिनल अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है उसमें भी ऑरेंज कलर ही ज़्यादा चल रहा है। और इसके जो स्ट्रैप्स हैं वो आपको बहुत ही केयर के साथ लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये लगाते वक्त अगर आप स्क्रीन के ऊपर जोर डालेंगे तो ये सेंसिटिव होती है, स्क्रीन टूट भी सकती है। बाकी अगर आप इसकी लुक की बात करें तो देख के कोई भी नहीं कह सकता कि ये मतलब इतनी कोई थर्ड क्लास कॉपी है। दिखने में आप देखें तो सेम उस तरह की अल्ट्रा जैसे एप्पल की ओरिजिनल स्मार्ट वॉच है उसी तरह की लग रही है। और बाकी स्क्रीन ये देखें मैं ऑन किया, अब इसके फीचर्स वगैरह देखते हैं। ये इसका वॉच फेस है और एक और वॉच फेस भी है इसमें, ये वाला, ये देखें। ज़्यादातर अल्ट्रा स्मार्ट वॉचेज़ में ये दोनों वॉच फेसेस ही चलते हैं। और उसके बाद फीचर्स की बात करें तो हार्ट रेट का ऑप्शन है, उसके बाद स्पोर्ट्स का ऑप्शन है। स्पोर्ट्स में हमें इसमें ये देखें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, रनिंग स्कीपिंग वगैरह के। और उसके बाद मैसेजेस का ऑप्शन है, म्यूज़िक का ऑप्शन है। म्यूज़िक में आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल का, फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं और पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। मोबाइल के साथ भी आपको मैं इसे कनेक्ट करके दिखाऊंगा किस तरह से कनेक्ट करेंगे आप। और उसके बाद मोर का ऑप्शन है, मोर के ऑप्शन के अंदर जाते हैं, इधर हमें स्लीप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वेदर का ऑप्शन है, रिमोट कैमरा का ऑप्शन है, उसके बाद लुकिंग फॉर मोबाइल का, रीसेट का ऑप्शन, और उसके बाद QR कोड दिया हुआ है एप्लीकेशन के लिए। फिट प्रो एप्लीकेशन के साथ ये कनेक्ट होगी और अब मैं आपको इसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ मोबाइल के साथ कि फिट प्रो एप्लीकेशन के साथ आपने इसे किस तरह से कनेक्ट करना है और इसमें आपने नोटिफिकेशन वगैरह कैसे ऑन करनी है और वॉच फेसेस वगैरह भी चेंज करके देखेंगे। ये देखें, ये एप्लीकेशन है फिट प्रो, ये आपने इंस्टॉल करनी है अपने प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे ओपन कर लेना है और ये यूज़र प्रोटोकॉल का ऑप्शन आ रहा है, ये आपने एग्री कर देना है। एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे इसे और ये भी आपने एग्री कर देना है। कॉल लॉग और अदर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, ये भी एग्री करेंगे आप। उसके बाद लोकेशन आपने इधर से अलाउ कर देनी है और ये देखिए एप्लीकेशन में हम आ चुके हैं। इधर से अब आपने ये सेट का ऑप्शन आपको शो हो रहा है दूसरे नंबर पर, ये इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ऊपर आपको ये बाइंड डिवाइस ये वाला ऑप्शन आपने क्लिक करना है और इधर से ये भी आपने अलाउ कर देना है। अब इस जगह पे हमें स्मार्ट वॉच शो हो जाएगी, ये देखें 716 ये स्मार्ट वॉच है, इसे आपने क्लिक करना है और ये अभी स्मार्ट वॉच एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये देखें अभी कनेक्ट हो रही है ये एप्लीकेशन के साथ और ये कनेक्ट हो चुकी है। अभी देख लेते हैं इसकी सेटिंग वगैरह कर लेते हैं एप्लीकेशन की। अच्छा, अब ये नीचे आपको मैसेज पुश का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये देखें आपको सारी एप्लीकेशन शो हो गई हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, कोर रिमाइंडर, एसएमएस रिमाइंडर। ये कोर रिमाइंडर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको मैसेजेस और कॉल अलाउ करने को कहेगा, ये भी आपने अलाउ कर देनी है। इधर से आपको नोटिफिकेशन परमिशन के लिए इसकी जो सेटिंग है वो अलाउ करनी पड़ेगी। ये देखें फिट प्रो की, इधर से आपने अलाउ नोटिफिकेशन एक्सेस ये आपने ऑन कर देना है और इसे आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना। अभी वो कुछ सेकेंड का टाइम दे रहा है, ये 4-5 सेकंड का टाइम होता है, ये जब एंड हो जाए तो आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है और ये नोटिफिकेशन ऑन हो गए हैं हमारी वॉच के। उसके बाद डायल सेटिंग में जाके आपने इसका डायल चेंज कर लेना है। इधर डायल सेटिंग के ऊपर जाके आपको ये सारे वॉच फेसेस शो हो जाएंगे और इनमें से आपने कोई सा भी वॉच फेस सिलेक्ट कर लेना है। अब ये मेरे वॉच फेसेस लोड नहीं हो रहे क्योंकि नेट मेरा स्लो है। खैर, ये वॉच फेसेस वगैरह आप खुद ही चेंज कर लेना, ईजी होता है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। और उम्मीद है आपको समझ लगी होगी किस तरह से D20 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच को मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है। और बाकी अगर कोई चीज़ आपको समझ ना लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आप ये स्मार्ट वॉच बाय करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर डिस्काउंट प्राइस में
तो शोजी वेबसाइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उधर से आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएगी। उधर से आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी कोई सी भी स्मार्ट वॉच मंगवा सकते हैं। बाकी प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो मैं कहता हूँ ये बेस्ट स्मार्ट वॉच है, क्योंकि 1400-1500 रुपये में मेरे ख्याल से कोई स्मार्ट वॉच नहीं आती होगी। सबसे कम प्राइस में है, लेकिन है अल्ट्रा स्मार्ट वॉच की शेप में है और पूरा अल्ट्रा वाला मज़ा देगी आपको। फीचर्स में नहीं, लेकिन वैसे लुक वाइज और फीचर्स भी ठीक है प्राइस के अकॉर्डिंग। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, और किसी भी स्मार्ट वॉच के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।